नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। राष्ट्रीय मातंग महासंघ की युवा नेता बापू साहेब राजहंस ने अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान सरकार से वह काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो इंडिया न्यूज ने बापू साहेब राजहंस से इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बातचीत की। पेश है एक खास रिपोर्ट। मी सर्वप्रथम या महाराष्ट्रातील सर्व मातंग समाज बांधवांना जय लहुजी करतो। मी बापूसाहेब राजहंस राष्ट्रीय मातंग महासंघाचा महाराष्ट्राचा युवा नेता आहे। राष्ट्रीय मातंग महासंघ स्थापन करण्यापूर्वीची पार्श्वभूमी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की राष्ट्रीय मातंग महासंघाचे संस्थापक नेते आदरणीय सत्यनारायणजी राजहंस यांच्या संकल्पनेतून आणि या महाराष्ट्रातील अनेक कार्यकर्त्यांच्या संकल्पनेतून हा अस्तित्वात आलेला हा फेडरेशन आहे। कारण आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या सक्रिय काम करणाऱ्या ज्या 35 पेक्षा अधिक मातंग समाजाच्या सामाजिक संघटना आणि त्या संघटनेच्या नेत्यांनी मिळून महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा असेल, मुंबई असेल, पुणे असेल, नागपूर असेल, या सर्व विभागामध्ये विभागीय कार्यशाळा घेऊन कार्यकर्त्याची चिंतन शिबिर घेऊन विचार विनिमय करून नागपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पवित्र भूमीमध्ये या राष्ट्रीय मातंग महासंघाची स्थापना केली होती। आणि याचा उद्देश एकच आहे की या महाराष्ट्रामध्ये मातंग आणि ज्या 12 तत्सम पोट जाती आहेत यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, मग ते त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असेल, आरोग्याचा प्रश्न असेल, नोकरीचा प्रश्न असेल किंवा राजकारणामध्ये त्यांना न्याय मिळण्याचा असेल किंवा स्वतंत्र आरक्षणाचा विषय असेल, या सर्व मातंग समाजाच्या उपयोगी पडणाऱ्या उद्दिष्टावर काम करण्यासाठी या फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली। राष्ट्रीय मातंग महासंघ के संस्थापक सत्यनारायण जी राजहंस के साथ आप काम कर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा है इतने बड़े नेता के साथ आप काम? देखो, अगर आप हमारे जो संस्थापक नेता है सत्यनारायण जी राजहंस, इनको पूरे महाराष्ट्र में ही केवल मातंग कम्युनिटी में नहीं, क्योंकि जो भी दलित बहुजन समाज की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में एक अभ्यासु, एक आक्रमक और बहुत ही होशियार नेता के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से मातंग समाज के प्रश्नों के ऊपर, दलितों के प्रश्नों के ऊपर, बहुजन समाज के प्रश्नों के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं, अपनी एक सोच और विचारधारा के साथ काम करते हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमें हमारा सौभाग्य मानते हैं कि हमारे संगठन का नेता इतना अच्छा एक कर्तव्यवान नेता है। राष्ट्रीय मातंग महासंघ ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पूरे महाराष्ट्र में समर्थन दिया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अगर आप देखे जाएंगे कि हमारे देश को स्वतंत्र होके अब 70 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी हमारे देश में जो हमारे समाज है, मातंग समाज है या दलित समाज है, इन दलित समाजों के ऊपर अन्याय की सीरीज पे सीरीज आते रही है और ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और रही बात कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को समर्थन देने की, तो इसमें एक साफ है कि आज तक जितना भी मातंग समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं केवल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किए हैं। जैसे कि मातंग समाज को स्वतंत्र आरक्षण मिलना चाहिए इसका, और रिजर्वेशन में रिजर्वेशन जैसा सब कैटेगराइजेशन का एक प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को पास करके दिल्ली में भेजना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्रांतिवीर लहुजी साहब मातंग आयोग का स्थापना की थी, जिस आयोग के मेंबर सेक्रेटरी हमारे संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी राजहंस साहब थे। और उस वक्त हम लोगों ने काफी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, उसमें जो हमारे जो 69 हमारी जो डिमांड थी, जो फाइंडिंग्स थे, तो उसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने एज इट इज उसको तत्वता मान्यता दी थी, लेकिन ये 4.5 साल में बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने उसके ऊपर कोई काम नहीं, बल्कि जो हमारा मातंग कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो अन्नाभाव साठे आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना हुई थी उस 4.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, जो मातंग कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए उसकी स्थापना की, लेकिन वो 4.5 साल से बंद है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। और लोकसभा चुनाव के पहले मातंग कम्युनिटी के मतों के ऊपर उन्होंने
क्या बोलते मराठी में कहते हैं मातंग समाजाचा मतावर गोळा ठेवून या भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना सरकारने आचारसंहिता लागू असताना त्या महामंडळाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती झाल्याचा गौगाव महाराष्ट्रामध्ये केला आणि जेव्हा हे चूक झाली असं लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी हे सगळं प्रकरण दाबून ठेवायचं काम केलं. दुसरं मातंग समाजाची अस्मिता असलेल्या साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंच्या नावानं एक स्मारक बनवण्यासाठी एक समिती बनवलेली आहे. त्या समितीचं आमच्या सर्वांचं दुर्दैव आहे आम्ही त्या देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी आणि या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पक्षाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो या सरकारचा निषेध करतो कारण या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये अण्णाभाऊला काळी माप असण्याचं किंवा अण्णाभाऊच्या अण्णाभाऊंना बदनाम करण्याचं काम यांनी केलं. कारण या जो स्मारक समिती बनली आहे त्या स्मारक समितीचं भाडं भरलं नाही किंवा कर्मचाऱ्याचा पगार दिला नाही म्हणून त्या कार्यालयाला टाळं ठोकण्याची नामुष्की या महाराष्ट्रामध्ये घडली आहे. म्हणून आम्हाला असं वाटतं की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फक्त या मातंग समाजाला किंवा या मातंग समाजाच्या 12 तत्सम कोट जातींना या महाराष्ट्रामध्ये न्याय देऊ शकतो म्हणून राष्ट्रीय मातंग महासंघानं या मुंबई शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी विभागीय कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेऊन सर्वानुमते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये समर्थन देण्याचा प्रयत्न निर्णय घेतलेला आहे आणि आम्ही मोठ्या हिमतीनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या उमेदवारांना आम्ही निवडून आणण्यासाठी संपूर्ण या महाराष्ट्रातील 70 लाखाच्या आसपासचा जो मातंग समाज आहे तो प्रयत्न करणार आहे. राष्ट्रीय मातंग महासंघ की भविष्य की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे काम करेंगे? देखो ये भी काफी अच्छा है क्योंकि कोई भी संगठन को हम लेते हैं तो उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर रणनीति होनी बहुत ही जरूरी है और हमारी राष्ट्रीय मातंग महासंघ की जो फ्यूचर रणनीति है तो लोकसभा चुनाव के बाद इस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीने में हम लोग एक हमारे संगठन की ओर से ये महाराष्ट्र में मुंबई शहर हो या नागपुर में 1 लाख के आसपास मातंग कम्युनिटी के लोग आएंगे ऐसा एक बड़ा महाधिवेशन लेने का हम लोग ने निश्चय किया है और उसके साथ साथ आगे जाके हम लोग ये जो राजकारण है या ये विधानसभा के चुनाव में मातंग समाज को उसकी लोकसंख्या जितनी है जैसे कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी इस तत्व के आधार पे हम हमारे कम्युनिटी का एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के सामने रखेंगे और उनको कहेंगे कि भाई हमें हमारे लोकसंख्या के अनुसार आने वाले चुनाव में विधानसभा के चुनाव में हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उसके ऊपर हम लोग प्रेशर दबाव बनाएंगे और इस पार्टी के साथ हम डिस्कस करके जो मातंग कम्युनिटी के हित में जो निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे. इस लोकसभा चुनाव में मातंग समाज की क्या निर्णायक भूमिका रहेगी, किस तरह से अदा करेगी? देखो अगर आप आज पूरे देश में देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पार्टी ने इस देश में दलित बहुजन आदिवासी ये सारे जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको शोषण करने का काम किया है, उनको तकलीफ देने का काम किया है और इसके कारण ये सारी कम्युनिटी के बीच में एक असंतोष फैला हुआ है. और रही बात महाराष्ट्र के मातंग समाज की, तो मातंग समाज अब महाराष्ट्र के किसी भी जिले में जाओ, आप किसी भी एरिया में जाओ, जहाँ पे मुंबई शहर का सवाल है, हर एक मतदार जो लोकसभा का मतदार क्षेत्र है हर एक मतदार क्षेत्र में 50,000, 60,000, 70,000 के आसपास की हमारी लोकसंख्या है. और जब राष्ट्रीय मातंग महासंघ और उसके समय विचारी जो संगठन के सदस्य संगठन है इन्होंने सबने मिलकर जो निर्णय लिया है, हमारे नेता सत्यनारायण जी राजन जी ने जो आदेश दिए थे हमें सारे कार्यकर्ताओं को, उनके आदेश अनुसार हम लोग कांग्रेस पार्टी के जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता रात दिन एक करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं. और हमें आशा है कि हमारी जो ये मातंग समाज की जो भूमिका है ये भूमिका इस उम्मीदवारों को जीतने के लिए निर्णायक भूमिका साबित हो सकती है.